चलो हो जाएगी। हाँ, द रेशो ऑफ चिराग, द रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, द रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। फॉर्मूला लिख लो यंग्स मॉडुलस का, ऊपर लिख लेना नॉर्मल स्ट्रेस, नीचे लिख लेना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहां तक का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, यंग्स मॉडुलस को मेरे बच्चे वाई से रिनोट करते हैं हम, वाई से। ठीक है, वाई का फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन ए, और ये अपॉन के अपॉन वाला ऊपर है ना, पता है, एल अपॉन डेल एल। और ऐसा भी होगा कई बार, मान लो मैंने एरिया अगर क्रॉस सेक्शनल में चल रहा है, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वेयर डेल एल। ये है तुम्हारा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, इसकी डायमेंशन अब तो निकाल लेंगे। अब तो डायमेंशन, वो जब मैं बोल रही थी यंग मॉडुलस सब सीखोगे तो पता चिल जाएगा, फोर्स की वही एम एन टी माइनस टू, लेंथ की एल, हाँ वही स्ट्रेस वाली हो जाएगी क्योंकि ये तो कट ही गया, बचा कितना एम एल टी माइनस टू, और इसके लिए एल स्क्वायर कट के बैठ जाएगा तुम्हारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, देख लो द डायमेंशन इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बताओ इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, पक्का समझ गया कैसे, क्योंकि स्ट्रेन की तो कुछ होती ही नहीं है, स्ट्रेन की तो कुछ होती ही नहीं है, इसी की लिखेंगे। स्ट्रेंथ की, स्ट्रेस की कितनी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी, पास्कल लेकिन वही लिक्विड में आ जाता है प्रेशर की तरह, कोई बात नहीं, वो तो लिख लो, पर वॉल्यूमेट्रिक में तो मैं लिखवाऊंगी पास्कल, वॉल्यूमेट्रिक में क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जब इधर कुछ भी भर रहा हो उसके अंदर, हवा पानी, तो वो तो लिक्विड में काउंट हो सकता है, तो उसमें तो मैं पास्कल लिखूंगी, इसमें रहने दो, इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो। ठीक है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डालना हेडिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कर्व ग्राफ, मतलब एक तरह से ग्राफ बनवाऊंगी ना, ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, पेन नीचे रखिए, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से लिखना अपनी वर्डिंग में, वैसे सुन जाऊंगी। आओ, जैसे मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ बनाया, इधर लिखा स्ट्रेन, इधर लिखा स्ट्रेस, अब अपने दिमाग में एक चीज अपने आप इमेजिन कर लो, स्प्रिंग ले लो या रबर बैंड ले लो, जो लेना है वो ले लो। ठीक है, कुछ भी दिमाग में रखना अपने, रबर बैंड या स्प्रिंग। ठीक है, चलो सबसे पहले तो कुछ कंडीशन तक मैं वही फोर्स लगाऊंगी, छोड़ूंगी, वही आ जाएगा, फिर लगाऊंगी, फिर छोड़ूंगी, ऐसे होगा, तो कुछ हद तक तो पहले तो ये एक कंडीशन तो ऐसी होगी ना, वो हुक स्लो अभी करेगा, तो कुछ स्ट्रेट जाएगा, कुछ देर तक तो जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा मान लो वो है ओ से ए तक, इसने हुक्स लॉ ऑबे कराए जिसमें मैं बोलूंगी स्ट्रेस मेरा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे रबर बैंड में भी खींचो छोड़ो खींचो छोड़ो, कुछ टाइम तक तो ऐसे ही होता रहेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या होना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा मतलब
स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे उसके अंदर स्ट्रेस उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे अपनी इलास्टिक लिमिट भी क्रॉस कर देगा। सिखाई दे रहा है इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट कौन सी? जब वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। मैंने कहा मान लो वो हमारी इलास्टिक लिमिट बी तक है, बी तक मेरी इलास्टिक लिमिट है। मैं कह रही हूँ बी में मान लो हुक्स लॉ अभी नहीं भी हुआ, हुक्स लॉ अभी नहीं भी हुआ, पर यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है। इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, यील्ड पॉइंट कह लो या बोल लो यहाँ तक हमारी इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट मतलब यहाँ तक अगर हम इसको खींचेंगे तो इसके अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और खींचा, स्ट्रेस दिया मान लो सी पर, अब इसको मैंने छोड़ दिया तो आप क्या अपनी पोजीशन पर वापस आएगा? तो आप इसके अंदर थोड़ी सी ढीली हो गई होगी रबर बैंड, स्प्रिंग को भी कह लो थोड़ी ढीली हो गई होगी। मैं कहूँ अब ये अपनी वापस ऊपर पोजिशन पर नहीं आएगा, मैंने कहा मान लो कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक ये हो जाएगा। मान लो कितना 1%, मान लो 1% इसके अंदर लूजनेस आ जाएगी थोड़ी। कितनी बार समझ में आई? एक टाइम तो ऐसा होगा ना खींचने के बाद अब ढीला। अब इसके बाद तुम और खींचते जाओगे तो वो उतना ही अपना प्लास्टिक बिहेवियर शो करती रहेगी, है ना बच्चा? प्लास्टिक बिहेवियर मतलब खींचो वो मुड़ेगी, आएगी नहीं वापस, और खींचो वापस ही नहीं आएगी, और खींचो नहीं आ रही वापस, खींचो भाई खींचो टूट जाएगी, एक टाइम तो आएगा टूट जाएगी। मैंने कहा इसके बाद ये अपनी मान लो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, करता जा रहा है, कितना खींच लो खींचता जा रहा है पर वापस नहीं आ रहा। एक टाइम पर आकर यहाँ पर क्या आ गया इसका ब्रेकिंग पॉइंट, इसके बाद ये टूट ही गया, ब्रेकिंग पॉइंट, समझ गए? यहां तक ये हमारा प्लास्टिक रीजन है, सी से डी तक कौन सा रीजन है? प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन बताओ ओ से बी तक, बी तक बी यील्ड पॉइंट नहीं बनाया था, ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट है, तो ये तुम्हारा पूरा इलास्टिक रीजन काउंट होगा। आया सेशन कर बार समझाऊ? दिमाग में रबर बैंड रखो या स्प्रिंग रखो, समझा जाएगा। कुछ टाइम तक तो छोड़ेंगे वापस, खींचो फिर वापस, खींचो फिर वापस, वो हुक्स लॉ ऑबे करेगा अच्छे से, ठीक है? इलास्टिक लिमिट तक तो मैं ये कह रही हूँ यहाँ तक हुक्स लॉ ऑबे हो रहा है। अरे जरा सुनो इस चीज को और समझो, ये बी तक क्यों नहीं हुआ हुक्स लॉ ऑबे? थोड़ा बहुत उसमें आ जाएगा ऐसे समझो, फील करना जरा इस चीज को। अरे जरा सुनो, स्ट्रेस स्ट्रेन को रिलेट कर पा रहे हो तुम? मैं फोर्स लगा रही हूँ तो उसके अंदर अपने आप क्या आ गया? स्ट्रेस, स्ट्रेस उसके अंदर भरा हुआ है जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेन आ रहा है, ये तो है। फिर मैंने उसे फोर्स लगाया, उसके अंदर रीस्टोर अपने आप क्या हो रहा है? स्ट्रेस, और उसके वजह से उसके अंदर स्ट्रेस वो आ रहा है स्ट्रेन, ठीक है? तो जितना मैंने ज्यादा स्ट्रेस लगाया उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेन आया, स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन आया। एक टाइम तो ऐसा भी होता है इलास्टिक लिमिट के बाहर तक, मान लो उसको मतलब इलास्टिक लिमिट में ही एक पॉइंट तो ऐसा होगा, हमने स्ट्रेस तो लगाया इतना लेकिन उसके अंदर स्ट्रेन उतना उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, बिल्कुल लास्ट में वो पोजिशन होती है स्ट्रेन उस पोजिशन में, इन कंपेरिजन स्ट्रेस कम होगा स्ट्रेन ज्यादा होगा उस टाइम में, हाँ ठीक है। तो ये वाली है तो वही कि छोड़ देंगे तो आ तो जाएगा अपने पोजीशन पर वापस, लेकिन उस टाइम पर हुक्स लॉ ऑबे नहीं करा, ये वो लास्ट पॉइंट होता है किसका? इलास्टिक रीजन का। बना लो और ये सारे जब तुम लिखोगे ना इसे डिफाइन करना पूरा, पहले वो से ये तक समझाओगे क्या हुआ यार, जितना स्ट्रेस दिया उतना स्ट्रेन आया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुक्स लॉ ऑबे कर रहा है। उसके बाद बी पर समझाओगे कि बी तक क्या हुआ, ए से बी तक कि, और अगर हमने इसको खींचा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर तो आ गया लेकिन यहाँ पर इसने हुक्स लॉ ऑबे नहीं करा। बी के बाद तो इसका क्या शुरू हो गया, एक तरह से इलास्टिक रीजन खत्म। इसके बाद अगर हमने इसको थोड़ा सा खींचा तो ये इसकी लेंथ ही बढ़ जाएगी, परमानेंट ढीली हो जाएगी। जैसे हमने सी तक खींचा देखो इसकी लेंथ ही बढ़ गई थोड़ी सी, कितनी स्ट्रेन आ गया ना उसके अंदर, थोड़ा सा 1% स्ट्रेन आ गया, और बढ़ाते जाओ ऐसे खींचता 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 चला जाएगा लास्ट में आके ब्रेक, ठीक है? ऐसे कर लो। अब यंग मॉडल्स का एक न्यूमेरिकल कराते हो तुम लोगों को, फिर बल्क मॉडल्स शुरू करेंगे।
इस चैप्टर की एनसीईआरटी के ना क्वेश्चन में खुद कराऊंगी, इसके थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन अटपटे से है, ठीक है? तो इसके ज्यादा ज्यादा मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, रिफ्रेशर में इन कंपैरिजन इजी है इसके क्वेश्चन, पर एनसीईआरटी थोड़ी है इसकी, तो मैं कराऊंगी, रोना नहीं, ठीक है? चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले यंग मॉडल्स के आ जाओ। क्लासिक रीजन मीन सी से डी तक है ये, वैसे सॉरी बी से डी तक क्लास्टिक रीजन, यहाँ तक तो इलास्टिक है फिर प्लास्टिक, ठीक है? अरे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लिखो। अ स्ट्रक्चर स्टील स्टील रोड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर एंड अ लेंथ 1 मिलीमीटर 1 मीटर सॉरी 100 किलो न्यूटन 100 किलो न्यूटन लिखा है बेटा ये, ठीक है? 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेच इट अलोंग इट्स लेंथ, स्ट्रेच इट अलोंग इट्स लेंथ, कैलकुलेट सबसे पहले तो पूछा स्ट्रेस निकालो, फिर पूछा एलोंगेशन निकालो, अभी बताएंगे एलोंगेशन क्या है, एलोंगेशन निकालो, फिर सी पर पूछा स्ट्रेन निकालो, जिसमें कि यंग मॉडुलस गिवन है तुम लोगों को 2.0 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन लिखो, बोलो डन। करे हाँ, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही कराऊंगी मैं ज्यादा, रिफ्रेशर में तो बहुत इजी है इसके, उठा के भी देख लेना चाहे रिफ्रेशर अपनी, वो डिपेंड है। हाँ हाँ, तभी तो कैलकुलेशन इसकी ऐसी है ज्यादातर। अरे आइए, स्ट्रक्चरल स्टील रोड दे रखी है बेटे, ध्यान दो, रोड दे रखी है और रोड की रेडियस दे रखी है 10 मिलीमीटर, रेडियस गिवन है 10 मिलीमीटर, ऑब्वियसली हम मीटर में करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 10^-3 meters, मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 10^-3 meters, तो मतलब 10^-2 meters आ गया, ठीक है बेटा? आगे क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, लेंथ रोड की ओरिजिनल लेंथ, एल से लिखू, डेल एल से एल है ना, एल पूरी एल दे रखी है कितनी, 1 meter, ठीक है? उस रोड के ऊपर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, 100 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में करने के लिए 10^3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 10^ कितनी हो गई, 5 न्यूटन, बताओ कोई प्रॉब्लम? जब हमने इसके ऊपर इतना फोर्स लगाया तो वो स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेच हो गई, उसके बाद उसने क्या कहा, सबसे पहले स्ट्रेस निकालो, एलोंगेशन निकालो, स्ट्रेन निकालो, स्ट्रेस निकाले सबसे पहले, बताओ स्ट्रेस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, जिसमें फोर्स कितना 10^5, एरिया पाई आर स्क्वायर, आ जाओ 10^5, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर कितना, तो 10^-4 हो जाएगी, देखो क्या इसको मैं 7/22
इंटू 10 की पावर 5 प्लस 4 लिख दू, माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4, अब डिवाइड कर दो 22 को 7 से करेंगे 0.22 3 66, है ना, बचेगा कितना 4, करेंगे भी 4 तो 22 के टेबल में 1 जा चलेगा, तो 0.31 इंटू 10 की पावर 9 स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बताओ कोई प्रॉब्लम, और तमीज से लिखना हो तो 3.1 इंटू 10 की पावर ऐसे करके बढ़ा देना, समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, छापो देख लो, देख लिया तो मेरे साथ साथ लिखेगा, समझना तो होता ही नहीं, तुम क्यों इसके रजिस्टर के पीछे पढ़ रहे हो, ये पिटेगा, अच्छा चलो डाल कर लो कर लो कर लो, यही आ रहा है, अरे मेरे बाल को क्वेश्चन हो गया, एलोंगेशन अभी निकलवाएंगे, हाँ जी जान ऑनलाइन वालों डन प्राची खुशी, हाँ एलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, दैट मींस क्या पूछा है, डेल एल, ध्यान दो एलोंगेशन मतलब हमेशा डेल एल, ये पूछा चेंज इन लेंथ, अरे ध्यान दे लो भाई, एलोंगेशन मतलब ऐसे बुलाशी डेल एल, समझ गया, अच्छा आप सुनो डेल एल हमें एक तो स्ट्रेन के फॉर्मूले में मिलता है, लेकिन स्ट्रेन भी नहीं पता पूछा है, एक तुम्हें यंग मॉडल्स के फॉर्मूले में मिलता है ना, अच्छा यंग मॉडल्स का फॉर्मूला अगर चला दूं, क्या हुआ यंग मॉडल्स का फॉर्मूला, देखो पूरा ऐसा कौन लेने चला रही, फिर ये सारा करना पड़ेगा, इसको यही तो उठा लो, तो इसको ऐसे ही लिख लो 0.31 इंटू 10 की पावर 9 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कितना डेल एल अपॉन एल, अपॉन एल को जा दो ऊपर, ठीक है वैल्यू रख दो y की वैल्यू 2.0 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 0.31 इंटू 10 की पावर 9 लेंथ है तुम्हारी 1 अपॉन में डेल एल, चलो डेल एल तुम निकाल कर बताओ कितना आया, जल्दी करते हैं 0. इनका 1.5 आ रहा है, मल्टीप्लाई में है तुम्हारे, अच्छा इनके नहीं है ना, इनके सिर्फ 1.5 समथिंग आंसर आ रहा है, ठीक है हाँ ठीक है 1.5 समथिंग आ रहा हो, ठीक है 10 की पावर ना रही कुछ भी आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, डेल एल निकालू मैं 0.31 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 11 प्लस 2 हो गया, तो डिवाइड करूंगी तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ रही है, इनकी कैसे नहीं आ रही, ऊपर वाला आंसर तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला 0.31 इंटू 10 की पावर 9 तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा
इन्होंने मिलीमीटर में आंसर दे रखा है, बेवकूफ। हाँ ठीक है, बिल्कुल समझ गए। इन्होंने एक तो ये आंसर लिखा पहले 1.55 × 10⁻³ मीटर, और फिर उसको मिलीमीटर लिख दिया। ठीक है बेटा, अच्छा आप स्ट्रेन निकालेंगे, कैसे निकाले स्ट्रेन? स्ट्रेन हो जाएगा तुम्हारा डेल एल अपॉन एल, एल तो वन है ही, तो स्ट्रेन भी यही हो जाएगा, इंटू 10⁻³। ठीक है, मीटर मत लिखना इसमें, स्ट्रेन स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। चले अब आगे क्वेश्चन और छात्र एनसीईआरटी के। ये रहा एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, कोई बात नहीं करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन लिखना एनसीईआरटी का है भी। क्वेश्चन लिख लो बच्चा, क्वेश्चन लिख लो। करे हाँ, किस पर डिपेंड करता है बता, वाई की वैल्यू क्या है फॉर्मूला? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, एक बात बताओ, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा? हम स्टील खींच रहे हैं, स्प्रिंग खींच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा उसमें, तो मटेरियल पे डिपेंड करना ही करना। आप क्वेश्चन समझो जरा सारे बच्चे एक बार ध्यान से। इसने कहा है कंपोजिट वायर है, मतलब बना रखी है, खुद से कंपोज की गई है वायर। ठीक है, कैसे बनाई? जिसका यूनिफॉर्म डायमीटर है, ऊपर नीचे से हर जगह डायमीटर सेम है। अगर मतलब मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस हो जाएगी कितनी, 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर 3 है ना, तो रेडियस तो अच्छा, इसको चेंज करूँ तो 10⁻³ मीटर। इतनी बात तो आगे समझ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ इतनी और स्टील वायर ऑफ लेंथ इतनी, समझ रहे हो? उस वायर को ऐसे बनाया कि इतनी कॉपर वायर की लेंथ है 2.2 और स्टील वायर की लेंथ है 1.6, समझ रहे हो? पहले कॉपर वायर लग रही है मान लो कहाँ तक, 2.2 मीटर तक, फिर उसके बाद तुम्हारी ये स्टील वायर लग रही है कहाँ तक,
1.6 मीटर तक, ऐसे करके अपनी पूरी टोटल वायर बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। अंडर अ लोड ऑफ, अंडर अ लोड बाय 0.7 मिलीमीटर, समझ रहे हो, अंडर अ लोड बाय 0.7 मिलीमीटर, ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कितनी बढ़ गई। अब क्या मुझे बताओ, क्या लोड लगाया मैंने इसके ऊपर, लोड मतलब अपना खुद का फोर्स लगाया, खींचा, कुछ से फील करके बताना, जब मैं इसको खींचूंगी तो क्या ये बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में खींचेगा, दोनों के अलग अलग है ना यंग मॉडुलस, तो स्टील और कॉपर अलग अलग तरीके से खींचेगा, हो सकता है स्टील ज्यादा खींच जाए, कॉपर ज्यादा खींच जाए, स्टील कम खींचे, और हो के सकता होगा स्टील, हाँ स्टील कम खींचेगा और कॉपर ज्यादा खींचेगा, कुछ भी हो सकता है रेशो। हमें ये पता है जो खींचा टोटल वो 0.7 है, तो क्या मैं लिख दूं कि मेरा डेल एल सी प्लस डेल एल क्या आ गया स्टील, वो 0.7 मिलीमीटर है। पहले बताओ कि टोटल एलिमिनेशन 0.7 मिलीमीटर है दोनों के मिलाकर, है ना मेरे बच्चा, ऐशो आया, स्टील कॉपर दोनों खींचे ना, अब दोनों कितने खींचे ये नहीं पता, पर ना दोनों टोटल 0.7 मिलीमीटर खींचे हैं, तो उसमें दोनों का ही एलोंगेशन होगा। ठीक है, उठा ले, अब इसको क्या लिख दूं मीटर में, 0.7 × 10⁻³ मीटर, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यंग मॉडुलस दे रखा है किसका, कॉपर का अलग, 1.1 × 10⁻¹ⁱ और तुम्हारा स्टील का अलग 2.0 × 10⁻¹ⁱ। तो तुमसे पूछा क्या, लोड निकालो, लोड यानी एक तरह से फोर्स, हमने तो फोर्स लगाया, स्ट्रेस तो अपने आप आता है, हमने जो लगाया लोड, फोर्स निकालो। एक बात बताओ, मैंने कहा इसमें दोबारा सुनना ध्यान से, जब मैंने इस पर लोड लगाया तो स्ट्रेन दोनों का अलग अलग होगा, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेस भी अलग अलग होगा, एरिया तो सेम कह रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, क्या स्ट्रेस सेम होगा या स्ट्रेस अलग अलग होगा, एरिया तो सेम ही है ना, एक बार का एरिया सेम ही बना रखा है, स्ट्रेस सेम आएगा, हाँ लेंथ पर तो स्ट्रेस तो डिपेंड ही नहीं करता, स्ट्रेन डिपेंड करता है, स्ट्रेन चेंज मैं पहले ही कह रही हूँ, पहले फील करो स्ट्रेस सेम होगा, क्या मैं बोल दूं कि स्ट्रेस ऑन स्टील, कि स्ट्रेस ऑन स्टील इक्वल होगा स्ट्रेस ऑन कॉपर, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस डिपेंड करता है जो हमने फोर्स लगाया, और हम इक्वल फोर्स ही लगा रहे हैं, हम तो उस पर फोर्स लगा रहे हैं टोटल, तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स टोटल तो सेम ही आएगा, वो अलग बात है उसमें एलोंगेशन अलग अलग होगा उसके अकॉर्डिंग, पर स्ट्रेस तो सेम ही आएगा, आया कि इसका स्ट्रेस और इसका स्ट्रेस सेम आएगा। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दूं, अगर पढ़ना स्ट्रेस का फॉर्मूला वो वाला लगाना, यंग मॉडुलस वाला, हाँ तो तुम्हारे ये अलग अलग आ जाएंगे, ऐसे करते हैं करके देखते हैं, चलो मतलब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बेटर होगा इससे क्योंकि बाकी सारी चीजें स्ट्रेन वाले दे रखी हैं, तो मैं इसको लिख दूं स्ट्रेस को यंग मॉडुलस स्टील का ना इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन हो जाएगा एल एल एस अपॉन एल एस, बताओ कोई प्रॉब्लम, समझ जाए, अच्छा इज इक्वल टू ऐसे ही यंग मॉडुलस कॉपर का इंटू डेल एल सी अपॉन एल सी, ठीक है, यंग मॉडुलस रख दोगे एल एस एल सी रख दोगे, डेल एल और डेल सी में एक रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं ना अलग अलग, एक रिलेशन मिल जाएगा, या फिर यहाँ से निकाल लो तुम अलग अलग करके रिलेशन निकालो पहले इनके, चलो जल्दी, मैंने कहा था एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसी है, इस पर इसकी एनसीईआरटी ना पूरे मैकेनिक्स की ऐसी, मतलब इसकी भी और फ्लूइड की भी, इस सेकेंड बुक में एनसीईआरटी टफ है थोड़ी, और इसकी एनसीईआरटी इसलिए मैं ही कराऊंगी, डोंट वरी पूरे बुक की मैं ही कराऊंगी, तुम बस कर लो, समझ आ गया, आगे तो करना शुरू कर,
ये नहीं आया कि स्ट्रेस क्रेम कैसे होगा, एक बार बताओ, एक कैसे बताऊं स्ट्रेस सेम आएगा नहीं आएगा, ध्यान से देखना जरा एक। चलो ये चीज तुम्हें नहीं समझ पा रहे, स्ट्रेस सेम आएगा कि नहीं फील करना। मैंने स्ट्रेस पहले भी तुम्हें ह्यूमन बॉडी में बताया था, ह्यूमन बॉडी पर बताया था स्ट्रेस सेम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं तुम टीचर्स को जैसे मैं हूँ टीचर, मान लो बच्चों को किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर रही है, फोर्स लगा रही है, समझ रहे, प्रेशराइज कर रही है, तो बच्चों पे उस चीज का स्ट्रेस सेम आएगा कि नहीं, वो बच्चे पे डिपेंड करे, बच्चे पे डिपेंड की वजह से। अच्छा छुट्टी हुई है, इसमें तुम बच्चे से नहीं समझ सकते, छोड़ो बॉडी से रहना पड़ेगा। तुम कह दोगे मैम हमें तो आता है, कैसे प्रेशराइज करोगे, छोड़ो रुक जाओ और किस चीज से एग्जाम्पल से समझाऊ। अरे तुम कैसे नहीं फील कर पा रहे, किस किस को नहीं हुआ फील, नहीं हुआ, एक अच्छे से एग्जाम्पल छाटना पड़ेगा तुम्हारे लिए। फिलहाल कैलकुलेशन तो करो, इससे मैं दिमाग में आई वो ले आऊंगी तुम्हारे लिए अच्छा सा। कैलकुलेशन तो करो, इतने कैलकुलेशन करके समझाऊंगी। आ चलो मैं एक तरीके से और समझाने की कोशिश करती हूँ स्ट्रेस कैसे सेम हुआ, आना जरा। अरे एक बार समझने की कोशिश करो स्ट्रेस, तो उन पर भी तो स्ट्रेस आएगा ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो छोड़ो, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाती हूँ, आओ। अरे समझ लो, मेरी मेहनत से मैंने वो निकाला है, आओ। ये दोनों वायर, दोनों ऐड हो रखी है, ठीक है। पहले तुम बताओ स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जरा बताओ ये वाला फोर्स कौन सा होता है, रीस्टोरिंग। क्या ये रीस्टोरिंग उस फोर्स पे डिपेंड करता है जितना मैं लगाऊंगी, मैंने कहा था एक तरफ से इक्वली है, जितना मैं लगाऊंगी उतना ही रिस्टोर होगा, राइट। अब देखो इन दोनों वायर पर लगने वाला फोर्स क्या सेम है क्या अलग, बोला उसने ने बोला और वही लोड तो निकालने को बोला, दोनों वायर पे लगने वाला फोर्स सेम, तो उनका रिस्टोरिंग फोर्स सेम, सही है। अच्छा दोनों वायर पर, दोनों वायर का एरिया बताओ, डायमीटर सेम है तो दोनों वायर का एरिया सेम, जब फोर्स सेम एरिया सेम तो स्ट्रेस सेम नहीं होगा क्या, अब आ गया, ऐसे करके समझ लो स्ट्रेस सेम होगा, समझ गए। अब तुम इस लिहाज से क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे दिमाग में कि दीदी जब दोनों में स्ट्रेस सेम होगा तो दोनों सेम एलोंगेशन क्यों नहीं आए दोनों में, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, एक तरह से दोनों की यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, तो यंग्स मॉडुलस डिसाइड करता है वो कितना एलोंगेट होगा, समझ रहे हो ना। जैसे भाई हर एक मीडियम रिफ्रेक्शन की वजह से, हर एक मीडियम रिफ्रेक्शन करता है, उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिफ्रेक्ट करेगा, करेंगे तो सब कितना करेगा, ऐसे ही होता है यंग मॉडुलस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है कितना है। अब तो हो जाएगा, तो चलो आप फटाफट से करो, अब तो यंग मॉडुलस कितना है इसका, स्टील का 2 × 10^11, डेल एलएस मुझे पता नहीं, एलएस बताओ कितना, कहां गया एलएस, अरे टोटल एलएस कितना है स्टील का, 1.6, इसी क्वेश्चन उसका कितना है 1.1 × 10^11, डेल एलसी मुझे निकालना है और एलसी कितना है 2.2। अच्छा देखो 10^11 से 10^11 कट गया, ठीक है, ये डेसिमल, ये 11 × 2 = 22 हो गया, सही, इसको इधर लेकर आ रही हूँ, तो ये 2 × 2 / 1.6 ये आ गया डेल एलएस इक्वल्स टू डेल एलसी। अच्छा डेसिमल हटा के ऊपर जीरो लगा दूं तो 2 × 2 = 4, 4 = 16, ठीक है, तो तुम्हारा डेल एल एस एक तरह से आ गया 4/10 डेल एल सी या 0.4 डेल एल सी। इतनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई, इतने लेके बैठे एक घंटे से, डेल एल एस आ गया 0.4 डेल एल सी, सही। अच्छा यहां अगर मैं वैल्यू रख दूं
ध्यान से देखना, यहां अगर मैं वैल्यू रख दू डेल एल सी एज इट इज, डेल एल एस की जगह रख दू 0.4 डेल एल सी, फिर से इसी क्वेश्चन में कितना चल रहा है 0.7 इंटू 10 की बार माइनस 3, सही, ये कितना आ जाएगा 1.4 एल सी डेल एल सी। ये मिलीमीटर तो नहीं है ना, मीटर है, मीटर है। इसी क्वेश्चन 0.7 इंटू 10 की पार माइनस 3, अब ये डिवाइड में ले आओ, डेल एल सी इसी क्वेश्चन 0.7 अपॉन 1.4 इंटू 10 की पार माइनस 3, ये 2 जा, तो 0.5 इंटू 10 की पार माइनस 3 आ गया डेल एल सी। तो भैया डेल एल एस कितना होगा 0.2 इंटू 10 की पार माइनस 3, इतना आ गया। सारा मुझसे करा के तो आ ही जाएगा, यहाँ तक करो पहले जल्दी, अब ऐसे बढ़ाओ तुम भी फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करनी सीखो, अपर क्लासेस में आ रहे हैं बच्चे नहीं हो तो। हमने कैसे कर कर रखी है, यू कैरेक्टर रखे। आ गया, अब क्या निकालना है कोर्स, इससे आगे क्या तुम घर से करके लाओगे, मैं बताती हूँ क्या करना। पहले मेरी बात सुनो, किसी एक का भी यंग मॉडल चला देना, चाहे तो स्टील का चाहे कॉपर का, उसमें यंग मॉडल के फॉर्मूले में फोर्स भी होता है, एरिया भी होता है, डेल एल भी होता है, एल भी होता है। तुम्हें डेल एल एल निकाल के बता दिए, एरिया तुम्हें पता ही है, यंग मॉडल तुम्हें पता ही है, एफ निकल आएगा, ये तुम करके लाओगे। और अभी इससे आगे। Thank you.